वेलकम स्टूडेंट, SVM ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम सोशल साइंस की बात कर रहे थे, सोशल साइंस में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। पार्ट 4 पढ़ रहे थे और हम ये पढ़ रहे थे कि किस प्रकार आदिवासियों के बीच में अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप बढ़ने लग गया था, उनके जीवन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जब भारत के अंदर औपनिवेशिक काल शुरू हुआ और औपनिवेशिक शासन व्यवस्था शुरू हुई, उस समय आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े, उसके अंतर्गत हमने सबसे पहले ये देखा कि जो आदिवासी मुखिया थे उनके अधिकार छीन लिए गए। दरअसल पहले वो खुद किसी भी गांव में या इलाके में या कबीले पर मुखिया होते थे, अब वो अधिकार अंग्रेजों के पास में चले गए। ठीक है, लेकिन अब अपने ये समझ रहे हैं कि जो घुमंतु काश्तकार हैं उन पर क्या असर पड़ा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो घुमंतु काश्तकार हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर खेती करते थे। ठीक है, और इस वजह से अंग्रेज उन पर अच्छे तरह से नियंत्रण नहीं रख पाते थे। तो जो घुमंतु काश्तकार हैं उन पर अंग्रेजों का कोई नियंत्रण नहीं था, अंग्रेजों का नियंत्रण नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं था? क्योंकि घुमंतु काश्तकार एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते, खेती करते, तो अंग्रेज उनका पीछा नहीं कर सकते। वो अंग्रेज जो भी हैं वो जंगल के इतने रास्तों को नहीं जानते थे, इस वजह से तो ही घुमंतु जो काश्तकार है उनके ऊपर नियंत्रण नहीं था। अंग्रेजों को ऐसे काफ़ी परेशानी होती थी क्योंकि वो एक जगह पर ठहरते नहीं थे, जो एक जगह पर स्थायी रूप से खेती नहीं करते थे। क्योंकि दरअसल ये जो आदिवासी लोग हैं, जो किसान हैं, जो काश्तकार हैं, वो अंग्रेज़ों के आमदनी के प्रमुख स्रोत हैं। जो भी आदिवासी लोग हैं वो सब आदिवासी लोग क्या हैं, अंग्रेज़ों के आमदनी के प्रमुख स्रोत हैं, के स्रोत हैं। अंग्रेज इन आदिवासी लोगों से, काश्तकारों से कर वसूलते, खेती पर नियंत्रण था उनका, उनसे वो कर वसूलने का काम करते थे। उन आदिवासियों को ज़मीन माफ कर देते और उस ज़मीन के हिसाब से उनसे कर वसूला जाता था। मतलब एक तरह से जो बड़े बड़े भूस्वामी थे वो ज़मीनों के पट्टे बनाकर अलग अलग किसानों को देते थे, ये ध्यान रखनी है। और उस पट्टे का भाड़ा लगता था, उस पट्टे का कर लगता था, और इस प्रकार से भूस्वामी लोग आदिवासी लोगों से कर लेने का काम करते थे। लेकिन जो घुमंतु काश्तकार थे उनको एक जगह पर ठहरने के लिए अंग्रेजों ने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। घुमंतु काश्तकार अपने पुराने रीति रिवाज के अनुसार ही खेती करना चाहते थे, अंग्रेज उनको दबाव डालकर एक जगह पर ही खेती करने का पूरा दबाव डालते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि हम आपको खेती के लिए सुविधाएँ देंगे, लेकिन घुमंतु जो काश्तकार हैं वो जहाँ पर मिट्टी सूख जाती है, पानी ख़त्म हो जाता है, पानी सूख जाता है, मिट्टी कम हो जाती है, तो वहाँ पर खेती नहीं कर सकते। और दरअसल जहाँ पानी की कमी है वहाँ हल चलाना भी बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए जिन जगह पर पानी की कमी हो, हल चलाना मुश्किल हो, वहाँ पर उपज भी ढंग से नहीं होती। और उपज ढंग से नहीं होने की वजह से भी तो किसान हैं वो घुमंतु खेती कर रहे थे, ये जो भी उसमें काश्तकार थे, ये ध्यान रखना है आपको। इसका मतलब घुमंतु काश्तकार पुराने ढंग से खेती के लिए विरोध कर रहे थे कि हम खेती पुराने ढंग से करेंगे, और अंग्रेज नहीं मान रहे थे, उनको एक जगह पर खेती करने के लिए बाध्य किया जा रहा था। और अंत में किस घुमंतु काश्तकारों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया और अंग्रेज़ों को उनकी बात माननी पड़ी, और फिर उन्होंने जंगल के किसी एक कोने में एक भूखंड पर इस प्रकार से खेती करने के लिए ज़मीन दे दी गई और छूट दे दी गई कि आप
आराम से क्या कर सकते हो, खेती कर सकते हो। तो इस हिसाब से गोमंतू काश्तकारों के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में जो बातें हुई, जो दौर चला, उसमें हम समझ सकते हैं कि गोमंतू काश्तकारों पर क्या असर पड़ा। अब है कि वन कानून और उसके प्रभाव। अंग्रेज़ों ने जंगल में नए नए कानून बनाना शुरू कर दिया। जिन जंगलों में आदिवासी रह रहे हैं वहाँ पर कानून बनाने की वजह से आदिवासियों के जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो वन कानून व उनके व प्रभाव, बस ये टॉपिक है हमारा। आदिवासी का जो जीवन मूल रूप से निर्भर है वो है जंगलों पर, और उन्हीं जंगलों पर अब अंग्रेजों का हो गया नियंत्रण, तो उनके जीवन पर क्या असर पड़ा ये समझेंगे। जैसे जैसे वनों के नियमों में, कानूनों में परिवर्तन हुआ, आदिवासियों पर भारी प्रभाव पड़ा, और उन भारी प्रभाव की वजह से उनके जीवन पर नए नए खतरे उत्पन्न हो गए और जीवन जीना उनका मुश्किल हो गया। अंग्रेज़ों ने जो वन हैं, जंगल हैं, उनको जो संपत्ति हैं वो राज्य संपत्ति घोषित कर दिया कि जो जंगल हैं वो सरकार की संपत्ति हैं। सरकार चाहे जंगल का कैसे भी प्रयोग कर सकती है, और यहाँ तक कि काफ़ी वनों को उन्होंने आरक्षित वन घोषित कर दिया, जहाँ पर अंग्रेज़ों को इमारती और महंगी जो लकड़ी मिलती मूल्यवान, वहाँ पर खेती करना, शिकार करना, इधर उधर आना, जंगली जानवर या विशेषकर पालतू पशु को चराना, सब उन्होंने एक तरह से बंद कर दिया, फल इकट्ठा करना भी। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि किस प्रकार अब वनों पर अंग्रेज़ों का प्रभाव है। अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं कि जंगल हैं उन जंगलों पर अधिकार करके वहाँ पर जो महंगी लकड़ियाँ हैं उनको काट कर बेचने का काम शुरू कर रहे हैं। इससे जो आदिवासी लोग जो वहाँ रह रहे हैं उनके आवास पर खतरा उत्पन्न हो रहा है, उनको उस जगह वो जगह मजबूरी से छोड़नी पड़ रही है, और उसकी वजह से उनका धीरे धीरे जीवन खतरे पर उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ तक कि जो काश्तकार थे जो जंगल में रह रहे थे उन वो बेरोजगार भी होते जा रहे थे। अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया, अंग्रेज़ों ने उन जंगलों को, उन वनों को एक तरह से आरक्षित वन घोषित कर दिया, और वहाँ पर वो इमारती लकड़ियों को काट करके आराम से बेचने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, अंग्रेज़ों ने जंगल में, जंगल के भीतर आदिवासियों को रहने के लिए मना कर दिया कि आप यहाँ जंगल में नहीं रहना है, आप स्थायी रूप से एक जगह पर आराम से रहो। और साथ में अंग्रेज़ों ने रेलगाड़ी बनाने के लिए जो ट्रेन की पटरी होती है उसके ऊपर जो लकड़ी, आज वर्तमान में तो सीमेंट के पट्टे होते हैं स्लीपर्स, तो लकड़ी के स्लीपर्स बनाने के लिए उन्होंने जंगल को काटना शुरू कर दिया, पेड़ों को। और इस हिसाब से जंगल काफ़ी कम होते जा रहे थे अंग्रेज़ों द्वारा। इस नीति की वजह से आदिवासियों के जीवन पर काफ़ी खतरा उत्पन्न हो रहा था, और रेलगाड़ी बनाने के लिए जो लकड़ी का प्रयोग कर रहे थे, साथ साथ में एक जगह से दूसरी जगह पर लकड़ी ले जाने के लिए मजदूरों का इंतज़ाम करना था, ये सारी व्यवस्था अंग्रेज़ कर रहे थे। और मेरे हिसाब से अभी मैंने जो शब्द बताया स्लीपर्स, उसका मतलब समझ आ गया होगा कि जो ट्रेन होती है उस ट्रेन के लिए जो पटरी बनाते हैं, उस पटरी के बीच में देखा होगा कि ऐसी पट्टियाँ लगी होती हैं, वर्तमान में सीमेंट की होती है लेकिन पहले लकड़ियाँ की होती थी, तो वो बनाने के लिए जंगल में वनों को काटना पड़ता है, लकड़ियों को और पेड़ पौधों को। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस प्रकार से पेड़ पौधे काटे जिससे आदिवासियों को काफ़ी नुकसान हुआ। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने और भी तरीके अपनाए, और उनको झूमिंग खेती के अलावा एक जगह पर खेती करने के लिए काफ़ी प्रयास किए, और प्रयास करते करते उन्होंने काश्तकारों को, आदिवासियों को कहा कि आप इस जंगल की देखभाल करो, ये छोटे छोटे भूभाग पर खेती करो, और जो भी इसे कर हो कर अंग्रेज़ों को द्वारा लिया जाएगा, और कर अंग्रेज़ों को देना पड़ता था आदिवासी लोगों को। तो ये बात उनको अच्छी तरह से पता लग जाती है कि किस प्रकार से वन कानून से आदिवासी जीवन पर प्रभाव पड़ा। तो पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि वन कानून और प्रभाव के अंतर्गत जो आरक्षित वन है वहाँ पर अब अंग्रेज़ हर किसी को आने जाने नहीं देते थे, वहाँ पर उन्होंने फल इकट्ठा करना मना कर दिया था।
फल एकटा करने के लिए पूर्णतः प्रतिबंध था, लकड़ी काटना वहाँ पर भी क्या था, मना था, उसके अलावा शिकार करना उस जंगल के अंदर मना था। ठीक है, इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि आदिवासी जिस जंगलों में रह रहे थे वहाँ अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया और अंग्रेज पेड़ पौधों को भी काट रहे थे स्लीपर्स बनाने के लिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वन कानून जो नए नए कानून बनाए अंग्रेजों ने जंगलों के ऊपर, उससे आदिवासियों के जीवन पर किस प्रकार नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव पड़ा, इफेक्ट पड़ा, उसकी बात हमने कर ली है। तो अब इन वन कानून की वजह से आदिवासियों धीरे धीरे प्रभाव जो उनका विरोध है वो बढ़ता जा रहा था। आदिवासियों ने इन वन कानूनों को गैर कानून घोषित किया और सरकार का विरोध शुरू कर दिया कि ये तो एक तरह से सही नहीं है जो जंगलों को काट करके आदिवासियों को बेघर किया जा रहा है। ठीक है, तो नए नए कानून जो भी बनाए उनका विरोध हुआ, उनको उनकी पालना करना या उनको मानने से आदिवासियों ने इनकार किया और अंग्रेजों का खुलेआम विरोध किया, बगावत की। और इसके जो उदाहरण है वो हमको 1906 में एक दिखाई देता है। असम के अंदर एक विद्रोह हुआ था, एक व्यक्ति ने इसका विद्रोह किया, इसका नाम था सोंग्राम संगमा, सोंग्राम संगमा। इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने 1906 में असम के अंदर अंग्रेज़ों का विरोध किया, अंग्रेज़ों की विरोध में बगावत की। और क्योंकि उनको लगता था कि भी जो वन है वो वन आदिवासियों का है, उनकी संपत्ति है, जहाँ अंग्रेज अधिकारी अपना अधिकार जमा रहे थे। और मध्य प्रांत के अंदर 1930 के लमसम वहाँ पर भी वन सत्याग्रह होने लगे थे। तो मध्य प्रांत में ध्यान रखना है आपको कि 1930 में वन सत्याग्रह होने लग गए थे। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है कि सत्य के लिए आग्रह करना। 1930 के अंदर जंगल जो आदिवासी लोग थे, जंगल या वन सत्याग्रह 1930 में होने लगे थे आदिवासियों को। तो दो उदाहरण हो गए और ये वन कानून क्या है इसकी बात कर ली और इसके प्रभावों को हमने अच्छी तरह से देख लिया है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कि व्यापार में किस प्रकार की समस्या आने लग गई अंग्रेजों के व्यापार में, अंग्रेजों ने व्यापार को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कार्य या प्रयास किए उनकी बात करेंगे। तो व्यापार की समस्या, व्यापार की समस्या धीरे धीरे जब जंगल में इस प्रकार की इमारती लकड़ी या बहुमूल्य लकड़ी मिलने लगी तो व्यापारी जो महाजन हैं वो जंगल की तरफ आने लगे। और अब पहले अंग्रेज फिर व्यापारी महाजन, मतलब जंगलों के अंदर जो आदिवासी लोग रह रहे थे उनके ऊपर इस प्रकार के नए नए व्यक्ति या व्यक्तित्व आने लग गए और साथ साथ में व्यापारी महाजनों का दबदबा बढ़ने लग गया था। और वो जो व्यापारी हैं या जो महाजन हैं वो इन आदिवासियों से नगद पैसे देकर उनसे जंगल की या वन की जो उपज चीज़ें हैं जो वहाँ से प्राप्त होती हैं उनको खरीदने लग गए, उनको कर्जा भी देते थे। ठीक है, कुछ काम करवाने के लिए। और धीरे धीरे आदिवासियों को वही समझने में थोड़ा समय लग गया कि ये जिन जो व्यक्ति हमको कर्जा दे रहे हैं वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं, किस प्रकार वो गरीब से और गरीब बनाने जा रहे हैं हमको। ठीक है, तो वो जो कर्जा दे रहे थे दरअसल उनके पीछे जो मेन उद्देश्य था कि जो उस समय 19वीं शताब्दी में जो रेशमी कपड़े का जो व्यापार है वो बढ़ता जा रहा था, यूरोप में रेशम की मांग खूब सारी थी और इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी रेशम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत में पूर्ण रूप से लगी हुई थी। इसलिए उन्होंने बाकी लोगों को एक तरह से कर्जा देकर लोगों से रेशम के कीट को पालना और रेशम को कपड़ा बढ़ाने के लिए उन्होंने जोर जबरदस्ती किया और उनसे ये मांग की कि भाई आप क्या करो, रेशम को या रेशम का उत्पादन करो।
तो भारत में जैसे जैसे निर्यात बढ़ रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रकार से रेशम के उत्पादन पर पूर्ण जोरदार दिया। अब वर्तमान में जो झारखंड है, वहाँ जो हजारीबाग है, उसके आसपास के अंदर जो संथाल परिवार है, जनजाति, वो रेशम के कीटों को पालते थे दरअसल, और फिर वो व्यापारियों को बेचते थे। व्यापारी उनसे ये कम पैसों में खरीदते थे और फिर बाद में भारी पैसों में बेच देने का काम करते थे। तो जो व्यापारी अपने जो एजेंट हैं, उन एजेंटों से आदिवासियों से कर्ज दिलवाते और कर्ज देते, और आदिवासियों को जो कर्ज देने के बाद में वहाँ पर वो उनसे रेशम की कृषि करवाने के लिए बोलते, और आदिवासी लोग उन व्यापारियों से, उन एजेंटों से कर्ज लेकर कृषि भी करते थे। कृषि के अंतर्गत रेशम का पालन करते थे, रेशम कीट का वो पालन करते थे, उनको पालते थे। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो जो व्यापारी के जो एजेंट है, वो आदिवासियों से कृमि कोषों को इकट्ठा करते थे। कृमि कोष मतलब ये जो कीट हैं, उनका पूरा जो कीट क्या करता है, कीट पालने के बाद में कीट रेशम के इस प्रकार से गोल गोल लावा के रूप में, लार्वा के रूप में चीज़ बन जाती है, इसको कृमि कोष कहते हैं, जहाँ से अंदर से लटे बन जाती है, या लटे विशेषकर वो जो रेशमी कीट है वो बन जाता। तो वो जो कृमि कोष है, ऐसे गोल गोल आकार का होता था, ठीक है, ये जो रेशम के कीट है वो खा खा कर पत्तियाँ शहतूत की, फिर इस प्रकार से ये कृमि कोष बनाते थे, इनको कृमि कोष कहते थे। ये एजेंट इनसे खरीदते और बिल्कुल कम पैसों में खरीदते थे। उस समय एक हज़ार कृमि कोष के केवल 3 या 4 रुपये मिलते थे। 1000 कृमि कोष के 3 या 4 रुपये मिलते थे, ठीक है। तो झारखंड के जो हजारीबाग इलाके हैं, वहाँ के जो संथाल परिवार हैं, वो इस प्रकार का काम करते थे और उनसे व्यापारी जुड़े होते थे, ठीक है। फिर इन कृमि कोषों को गया बिहार के अंदर भेज दिया जाता था, बर्दवान या गया के अंदर, वहाँ पर इसी को 5 गुने में बेचा जाता था। मतलब जो एजेंट हैं वो क्या करते थे, इसको आदिवासियों जो 3-4 रुपये में खरीदते 1000 कृमि कोषों को, और उनको 3-4 या 5-6 गुना में वापस बेच देते थे, ठीक है। इस प्रकार से वो ज़्यादा मुनाफा कमा रहे थे। तो जो रेशम के उत्पादक हैं और जो निर्यातक हैं, उनके बीच में व्यापारी लोग एजेंट का काम करते थे, या जो एजेंट लोग हैं वो, इसका मतलब जो बीच में जो काम करने वाले जो बिचौलिया लोग हैं, उनको भारी मुनाफा मिल जाता था। बिचौलिया मतलब ये हुआ कि जो निर्यातक हैं, जो निर्यात करने वाले, ठीक है, या जो साथ में रेशम का जो उत्पादन करने वाले हैं, उनके बीच में जो बिचौलिया हैं, जो इस प्रकार का काम करते थे एजेंट, जो इनसे खरीदते थे कम रुपये में, 3-4 रुपये में, और 3-4-5 गुना ज़्यादा में बेचते थे, तो इनको जो बीच में कड़ी का काम करते थे दोनों के बीच में, ये जो लोग हैं भारी मुनाफा कमा रहे थे, इनको पूरा फायदा हो रहा था और उन्होंने पैसे कमाए भी भारी मुनाफा, ठीक है। तो भारी मुनाफा इनको मिल रहा था, बिचौलिया लोगों को जो एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। और धीरे धीरे आदिवासी लोगों को लगने लग गया कि जो व्यापारी हैं या महाजन हैं, वो आदिवासियों के क्या हैं, एक दुश्मन के रूप में हैं, जो इनको कम पैसों में ये चीज़ें खरीदते और फिर ज़्यादा पैसों में बेचते और इनको एक तरह से लूटने का काम करते थे। तो हमने समझ लिया है कि व्यापार की जो समस्या थी, किस तहत रेशम कपड़े से संबंधित बातें, कि रेशम कपड़े को आदिवासी लोगों से खरीदने का काम कौन करते थे, फिर बेचने का काम कौन करते थे, एजेंटों को कितना फ़ायदा होता था, किस दर में वो जनजाति लोगों से, जो संथाल परिवार हैं झारखंड के हजारीबाग के, वहाँ के जो इस प्रकार के कीटों को पालते थे, उनसे जो कृमि कोष है उनको कम पैसों में खरीदना, ज़्यादा पैसों में बेचना, ये इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई थी। और आदिवासियों को लगने लग गया था कि भाई अब ये जो लोग हैं ये हमारे क्या है, दुश्मन हैं। इसी के साथ में जो आदिवासी लोग हैं, अब वो धीरे धीरे बेरोजगार होते जा रहे थे और अब
काम की तलाश के लिए वो दूसरे काम करने लग गए थे। तो अब काम की तलाश जारी थी आदिवासी लोगों की। हमने देखा है कि आदिवासी लोग हैं वो जो कोयले की खदानें हैं उसमें काम करने लग गए थे। महिलाएं भी आसपास में जो फैक्ट्रियां हैं उसमें काम करने के लिए जाती, अपने बच्चों को साथ में लेकर जाती थी। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के अंत में तक जो चाय के बागान हैं उसमें भी महिलाओं की जरूरत पड़ती थी। तो चाय के जो बागान हैं, ठीक है, उसमें काम करने लगे आदिवासी लोग। और जो कोयले की जो खाने हैं उस खानों में भी अब आदिवासी लोग क्या कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो झारखंड के कोयला के खाने हैं या चाय के बागान हैं उसमें अब कौन काम करने लगे, आदिवासी लोग काम करने लगे। अब उनको काम की तलाश थी और जो ठेकेदार है वो इनसे कम पैसे में काम करवाते थे, मजदूरी बिल्कुल कम देते थे दरअसल। और फिर उन मजदूरों को जिनको वो लेकर आते थे काम करवाने के लिए, उनको घर पर भी नहीं भेजा जाता था टाइम पर। ठीक है, घर नहीं जाने जाता था। इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि उस समय के जो ठेकेदार हैं, ठीक है, उनका आतंक बढ़ रहा था, उनका अत्याचार बढ़ रहा था। तो और इसी कोयले के खानों में काफ़ी आदिवासियों की लगभग मौत हो जाती थी, क्योंकि बड़े गहरे और ज़मीन के अंदर जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है वहाँ से कोयला खोदना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन बेरोज़गारी की वजह से ये आदिवासी लोग यहाँ पर काम करते थे, महिलाएं भी काम करती थी, चाय के बागान में भी पूरे दिन भर काम करना उनका था। एक तरह से अंग्रेज़ों की वजह से आदिवासियों का शोषण हो रहा था, आदिवासियों के जनजीवन में काफ़ी प्रभाव आने लग गया था। वो जिस प्रकार जंगल में रह रहे थे अब उनको काम कहाँ करना पड़ने लगेगा, काम इतना ढंग से करते हुए भी उनको मजदूरी कम मिलती थी। जीवन में जो बदलाव दिखाई देते हैं आदिवासियों जीवन में वो अंग्रेज़ों की वजह से, तो हम ये इस बात को समझ सकते हैं कि अपने वैसे की वजह से अंग्रेज़ों के जीवन में ये जो नए नए बदलाव हमको दिखाई देते हैं उस वजह से आदिवासियों जीवन में भी नए बदलाव आते हैं। अंग्रेज जैसे जैसे बदलते गए उनके जीवन में नए बदलाव आए, उनके ऊपर नई मांग आई, तो उन्होंने आदिवासियों पर या भारत की जो किसान जनता है उन पर एक प्रकार से अत्याचार करके यहाँ के लोगों को लूटा, लोगों को परेशान किया और यहाँ के लोगों को मजबूरी उनकी बात माननी पड़ती थी। ठीक है, तो हमने आदिवासियों के काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है, बाकी अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।